रोहतक के गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सरपंच सुनील जांगलान शामिल रहे। आपको बता दें कि बजरंगी भाईजान फिल्म के एक गाने से प्रेरित होकर बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच ने सेल्फी विद डॉटर अभियान चलाया, साथ ही सुनील जांगलान ने घरेलू हिंसा के विरोध में आवाज भी उठाई। वहीं आयोजन में पूर्व सरपंच ने सड़क सुरक्षा को लेकर छात्रों को जानकारी दी, साथ ही इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा और प्राचार्य डॉक्टर अंजू शर्मा सहित अन्य कई लोग शामिल रहे। आज गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में छात्रों और छात्राओं से रूबरू हुए, जिसमें हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो आज के समय के जरूरत के अभियान है, जिसमें सबसे पहले गाली बंद घर आता है, हर एक व्यक्ति अपनी तीसरी लाइन में महिला केंद्रित गालियां देकर एक दूसरे को संबोधित करते हैं, तो उसके बारे में छात्र छात्राओं से काफी खुलकर चर्चा हुई कि किस तरह हम गाली देकर सबसे पहले महिला घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए इसकी शुरुआत सबसे पहले हमें घरों में करनी चाहिए और इसके लिए घर में चार्ट भी बनाएं, ताकि आपको आपके पिता है या दादा चाचा कोई भी रिश्तेदार जो गालियां देते हैं उनकी एक फ्रीक्वेंसी नोट हो जाए और फिर उसको सुधारने के लिए सबसे पहला कदम आप अपने घर से ही शुरू करें। सुनील जागलान जी, सेल्फी विद डॉटर से इन्होंने अपना जो सफर शुरू किया था, जो गांव से शुरू होकर प्रदेश से होता हुआ राष्ट्रीय स्तर पर काफी पॉपुलरिटी इन्होंने अर्जित की और बच्चियों के विषय में अवेयरनेस कैंपेन चलाया, जिसका इफेक्ट हमारे समाज पर काफी पॉजिटिव रहा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में भी इनकी बड़ी तारीफ की। सुनील,